हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट जॉन फॉर स्मार्ट आंसर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनएलसी रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। ठीक है, बीबीटी के यहाँ पे एलिजिबल है, सारे ब्रांच एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है 50,000। तो काफ़ी अच्छी जॉब अपडेट आप सभी के लिए गाइस, जो भी यहाँ पर बीबीटी किए हैं उनके लिए। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, वीडियो को अभी से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर से करना। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे ऑफिशियल साइट पर। तो चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ऐसे बहुत सारी जॉब अपडेट के लिए गाइस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ऑल इंडिया जॉब है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफिशियल इसकी जो नोटिफिकेशन है उस पर चलते हैं। सो गाइस, आप यहां पर देख सकते हो एनएलसी की तरफ जो रिक्रूटमेंट आई है, उसका अगर पोस्ट की बात करें तो ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट है। ठीक है, यहां पर सारे ब्रांच एलिजिबल है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो भी यहां पर फाइनल ईयर है वो एलिजिबल नहीं है, यहां पे डिग्री वाले ही सिर्फ यहां पे एलिजिबल है। तो यहां पर देख सकते हो वैकेंसी टेबल आपके सामने है। मैकेनिकल के लिए जो वैकेंसी है आप देख सकते हो 125 वैकेंसी, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए। और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 65 वैकेंसी सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसकी जो वैकेंसी सिर्फ 10 वैकेंसी यहां पर दी गई है। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो यहां पर सिविल की जो वैकेंसी है 5 वैकेंसी है। और भी यहां पर सारे ब्रांच की वैकेंसी मेंशन कर दी गई है। और कैटेगरीज वाइज भी यहां पर वैकेंसी दिया गया, जैसे कि यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी की वैकेंसी यहां पर मेंशन है। ठीक है, तो आप वैकेंसी टेबल एक बार अच्छे से देख सकते हो, स्क्रॉल डाउन करके सारे यहाँ पर ब्रांच के लिए वैकेंसी दी गई है, तो आप अच्छे से इस पर देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इसकी एज लिमिट की क्या रहने वाली है। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पर अगर अपर एज लिमिट की बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पर 30 रहने वाली है। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 33 रहने वाली है, यानी कि 3 साल आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल रहा है अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो। फिर यहाँ पर एससी की बात करें तो यहाँ पर 35 है, यानी कि 5 ईयर आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है अगर आप एससी से हो तो। ठीक है, और एसटी की भी यहाँ पर देख सकते हो अपर जो एज लिमिट है वो 35 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आपकी जो सैलरी है यहाँ पर देख सकते हो स्टार्टिंग सैलरी 50,000 है, और देख सकते हो 1 लाख तक ही सैलरी जा सकती है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो आपकी सैलरी रहेगी वो 50,000 रहेगी, और उसके बाद जो आपका सैलरी रहेगा वो 60,000 रहेगा। ठीक है, तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है आपकी। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। सो गाइस, अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो थोड़ी सी मैं बता दे रहा हूँ, उसका फुल वीडियो मैं आपको बनाकर दे दूंगा अगर आप चाहते हो सिलेक्शन प्रोसेस में फुल वीडियो। तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो वो कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर टेस्ट होगा इसका। ठीक है, फॉर्म फिल करोगे उसके बाद, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 आवर्स का यहाँ पर इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ड्यूरेशन रहने वाला है आपका यहाँ पर 2 आवर्स, और जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट में होगा, पेपर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 आपका 40 क्वेश्चन का रहने वाला है, और पार्ट 2 की बात करें तो ये रहने वाला है आपका 80, यानी कि टोटल मिलाकर आपका 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर 1 मार्क्स के होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अगर बात करें निगेटिव मार्किंग की तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। आप देख सकते हो 1/4 यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ओके, और बात करें एग्ज़ाम कौन से लैंग्वेज में होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लिश में होगा। ठीक है, ओनली इंग्लिश यहाँ पर लिख दिया गया है, तो आपके यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर देख लो सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ी सी मैं बता दे रहा हूँ। द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर शॉर्टलिस्टेड पर्सन इंटरव्यू, जैसे ही आपका यहाँ पर सीबीटी कंप्लीट हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाओगे वहाँ पर, आप यहाँ पर इंटरव्यू में जाओगे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 50% ओबीसी के, सॉरी यहाँ पर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी एंड एसटी की बात करें तो 40% आपको मिनिमम लाना है मार्क्स। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स ही है। ओके, ये मिनिमम है ना कि कट ऑफ। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करें और यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। सो गाइस, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर डायरेक्टली इस साइट पे आना है, जो कि आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा। मैं इसके लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर जाकर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पर इस साइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, कब तक आपका यहाँ पर फॉर्म अप्लाई होगा, लास्ट डेट क्या है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डेट में मेंशन किया गया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपकी जो ऑनलाइन डेट है वो कब से शुरू हो रही है, तो 18 मार्च से आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, और 17 अप्रैल तक आपकी यहाँ पर चलने वाली है ये जो फॉर्म फिलअप है। ठीक है, लास्ट डेट पेमेंट की देख सकते हो 17 अप्रैल है, और बात करें अगर कि एग्ज़ाम इसकी कब होगी तो टेंटेटिव यहाँ पर शेड्यूल भी दे दिया गया है। ठीक है, 26 मई आप देख सकते हो यहाँ पर, 26 मई आपका स्टार्टिंग है, 27 मई तक चलने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल है एग्जाम की अगर बात करें तो।
और ऊपर देख सकते हो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आप देख सकते हो OBC EWS एंड UR के लिए यहाँ पर 500 रुपीज़ रखी गई है, और जो भी आप ST SC से बिलोंग करते हो एक सर्विस मैन हो तो आपके लिए जो ये फॉर्म है बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ीस इधर मेंशन कर दिया गया है, वो भी आप देख सकते हो। सो गाइस यहाँ पर फुल गाइडलाइंस दिया गया है, पेमेंट कैसे करना है, यहाँ पर कैसे आपको डॉक्यूमेंट सारा अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो सभी के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट कितने साइज में चाहिए, सभी कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है गाइज़, तो ये है आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी हो। गाइज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को गाइज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, बिकॉज आपको बहुत सारे जॉब अपडेट यहाँ पर मिल रहे हैं, रेगुलरली मिल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है तो बिल्कुल ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि सभी के पास ये वीडियोज़ पहुँच सके गाइज। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।